वेलकम एवरीवन। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया साइलेंट लोकेशन के बारे में। देखिए, मैंने इसमें जो कुछ लिखा है ना, इतने समय में इस चैप्टर को कंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। बट फिर भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़े से पार्ट को मैंने समाप्त किया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो चैप्टर है ना, अगर सच को इसको पढ़ाया जाए ढंग से, तो इट विल टेक मेनी, मतलब बहुत अच्छा अच्छा खासा टाइम लेगा ये, और बहुत डीपली जाके मजा भी आएगा। बट सिलेबस की चूंकि कुछ पाबंदी है, इसलिए मैंने थोड़े बहुत वहां से पार्ट सिर्फ यहाँ आपके लिए निकाले हैं। बट आप इसके लिए फिर भी मैप पे जरूर एक बार फोकस करेंगे और चैप्टर को रीड करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उससे आपका सिर्फ सिलेबस का पार्ट इम्पोर्टेंट कवर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बिना किसी टेंशन का। लेकिन इस चैप्टर को मैं बोलूँ कि अगर चैप्टर खत्म कर दूं तो चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। खैर, अगर देखें बात तो इंडिया साइलेंट लोकेशन की बात करें, देखिए ऐसे तो इंडिया का जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, नो डाउट। मैंने कुछ उस की पॉइंट्स भी बस लिखे हैं। आपको लैटिट्यूड पता होना चाहिए। लैटिट्यूड जो होता है जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो ग्लोब पे हम लोगों ने किया है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हमने क्यों किया, इसलिए किया ताकि हम इजिली इसके बारे में रीड कर सके, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमने किया ताकि अब जैसे पीरियड टेबल में हमने क्यों ग्रुप और उसको एक साथ किया, ताकि हम इजीली उसके बारे में रीड कर सके एलिमेंट्स के बारे में। उसी तरीके से लैटिट्यूड जो कि एक ग्लोब के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो लैटिट्यूड इसका है 8°4' एंड 36.76°N। लॉन्गिट्यूड जो लाई करता है वो 68.7 से 97.25° ईस्ट के अंदर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°, एंड द कंट्री जो है यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री को लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप एंड अरबियन सी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें तो टोटल लैंड मास इसका लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम उसके बाद बात करें, लगभग पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया में लगभग 2.4% इंडिया कवर करता है। अगर उसके बाद बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड बाउंड्री जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है, एंड टोटल कोस्ट लाइन एरिया लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। अगर इंडिया के नेबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से शेयर करता है। आप एक बार इंडिया का मैप जरूर देख लेंगे। नॉर्थ में आपका चाइना, नेपाल, तिब्बत एंड भूटान हो गया। ईस्ट के अंदर बात करें तो बांग्लादेश एंड म्यांमार हो गए। अगर साउथ में बात करें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स हो गए। दिस इज द, मतलब दीज आर द नेबर्स जो इंडिया से करते हैं ऑक्यूपाई, और लैंड बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। इसके अलावा आप जरूर मैप इस पे क्लियर करें, मैप देखने के बाद आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा कि क्या है। बट फिर भी ये जो आपके पास छोटे छोटे हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है। इंडिया के साथ और भी पूरे वर्ल्ड के साथ लिंकेज की हुए हैं। देखिए, बहुत पुराना वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया पे इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स ने राज किए, यहाँ से स्पाइस से लेकर एक से एक डिफरेंट चीज, हाथों की कारीगरी आज भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया का फेमस है। खैर, अभी भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स चाहे पहले भी, हाथों की जो बुनाई और कराई होती थी वो आज तक किसी मशीन के द्वारा नहीं किया। अंग्रेजों ने कितना कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, कितने सारे इंडस्ट्री मशीन्स लगाए, बट आज तक वो नहीं हो पाया। तो सारा चीज जो वर्ल्ड हिस्ट्री है चुरा के ले जाना, और ये सब कुछ इंडिया के द्वारा ऑलरेडी पहले से है ये। तो ये की पॉइंट्स। दूसरा स्टैंडर्ड मेरिडियन याद रखिएगा, और मिर्जापुर से क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन वहां से होता है, जनरली उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम जो है कैलकुलेट करते हैं। इंडिया का आईएसटी, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मेरिडियन को लगभग 82°30' पे हम लोग उसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। उसके बाद जनरली जो साउथ में बोले, जैसे श्रीलंका एंड मालदीव से, तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ जो है इसको एक एक थीन लाइन बाउंड्री। अब देखेंगे मैप पे तो श्रीलंका बिल्कुल जस्ट तमिलनाडु और उसके एक थीन लाइन है बस। मैप आप जरूर इंडिया का देखेंगे, थीन लाइन के बाद उसके बाद श्रीलंका है, तो उसको गल्फ ऑफ मन्नार जनरली बोलते हैं। और इसलिए आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, मालदीव के साथ भी वो शेयर करता है, ओके। तो उसी तरीके से जनरली क्या है, श्रीलंका जो है वो आपका पाल के स्ट्रेट STRAIT उससे लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और मालदीव जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार से शेयर करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे ये सारी चीजें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताया है, मिर्जापुर जो कि यूपी में है, उसके बाद वहां से ये टाइम डे और नाइट जो भी उसके अकॉर्डिंग चलता है। पहले कुछ और सिस्टम चलता था, इंडिया का और से भी है कनेक्शन, इंडिया का पुराना वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो पुराना वर्ल्ड हिस्ट्री है सभी के साथ कनेक्शन का, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इंडिया में जो है ना लिखा एक बात है नेशनल एंथम में कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि इंडिया का कुछ है डेफिनेटली। बट ओवरऑल अगर बात करें तो लोकेशन के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे सहारा लिया गया है, साइज के बाद लैंड मास, और यहाँ पे जो है कोस्टलाइन, ये सब कुछ कैलकुलेट किया गया है। कुछ नेबर्स के बारे में हो गए, वर्ल्ड का लगभग 2.4% ज्योग्राफिकल, वर्ल्ड के साथ रिलेशन की बात करें तो इंडिया का पुराना है जिसके चलते पूरा क्रिएट होता है,
और आई स्टैंडर्ड मिर्जापुर जो है उसके लिए कैलकुलेट होता है। बाद बाकी थोड़ा मैप जरूर देखेंगे, एशिया का मैप और इंडिया का मैप आपको क्लियर हो जाएगा, और वर्ल्ड का मैप ये तीनों एक बार देख लेंगे ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कि ये इंडिया नेबर्स कैसे उससे शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।